अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 113 चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज, इसकी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 2.4 डिस्कस कर रहे थे कि हम जो है 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 3 जो है वो हमने सोल्व करना है, जिसमें थर्ड टर्म और सिक्स टर्म दी गई है। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट आपने इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बेसिकली आपने इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक है, कंप्लीट विद पार्ट्स जो है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 12 तक है वो आपके रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आपने तैयार कर लेना है। तो लास्ट पार्ट में आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ पर जो थर्ड टर्म है यानी A3 है वो 9 है, और हमारे पास जो इसकी सिक्स टर्म है यानी A6 है वो हमारे पास है 1/3, और एन जो है वो हमारे पास 8 है। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स दी गई हैं, हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं टर्म्स वाला कि a वाला फॉर्मूला आपका ना यूज होगा, ये एपी का है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो ये इंटू आर की पावर हो जाएगी n-1, ठीक है। ऊपर यहाँ पर देखें तो इसमें डाटा आपका n=3 है, इस वाले में आपका n=6 है, ठीक है। अब ये वैल्यूज पुट करके हमने असल में यहाँ पर जो है वो दोनों को सॉल्व करते हुए, यहाँ पर एक तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए है, ए की वैल्यू हमें मालूम करनी है, साथ ही हमें यहाँ पर जो है वो रेशो कॉमन भी निकालनी है इन दोनों की मदद से, और इसके साथ ही हमने फर्स्ट 8 टर्म यानी हमारा एन जो है वो 1 से लेकर 8 तक होगा, n1, n=a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 और a8, ये फर्स्ट 8 टर्म पर मुश्तमिल हमने सीक्वेंस बनानी है। सबसे पहले तो आप an=a(r)n-1 जो टर्म का फॉर्मूला है उसमें ये a3 की वैल्यू को सॉल्व करवाएं, ठीक है। तो हम पुट करेंगे यहाँ पर n=3, तो ये हो जाएगा a3=a, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमें उसका भी पता नहीं है, ठीक है, कॉमन रेशियो भी हमें नहीं मालूम, तो इसके ऊपर आपकी पावर क्या हो जाएगी, n-1 है यानी 3-1, तो ये आपका a3 खुद इसकी वैल्यू मौजूद है 9 है, ठीक है, इक्वल टू आ गया a r की पावर कितनी हो गई 2, ठीक हो गया। एक साइड पर तो हमें ये वैल्यू मिल रही है और ये 9 के नीचे आपका r स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, इस तरह आपके पास एक सपोज a आ जाएगा, ये वैसे एक इक्वेशन बनती है लेकिन यहाँ पे मैंने a बना लिया, ठीक है। इसी तरह अगर आप दूसरी जो टर्म 6 है उसको भी सोल्व कर लें तो वहां पर आप n की जगह पर 6 पुट करेंगे, सो a6=2, और a आपके पास वैसे ही है, r भी वैसे ही, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, और इसकी पावर होती है n-1 यानी 6-1, ठीक है। a6 की वैल्यू है 1/3 आ गई, और a वैसे ही रह जाएगा, r वैसे ही रहेगा, इसकी पावर हो जाएगी 5, ठीक है, और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट हमने जो है वो पुट करनी है a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, पुट a=9/r² इन इक्वेशन नंबर 2 के हम अंदर जो है ना हमने ये पुट कर लेनी है, सही है, ठीक है। तो ये देखिए 1/3 = a की जगह पर भी आपका 9/r² आ जाएगा, और इधर साथ ही r की पावर 5 भी आ जाएगी, ठीक है। या मैं पूरी उसी तरह से लिख दूं जिस तरह से ये मौजूद थी, बल्कि के साथ भी तो a आना है ना, यहाँ पर भी आपका जो है वो एक बार रुकिएगा, एक जो है वो 9r² आ गया, ठीक है, एक ही जगह भी आ गया, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही आना है, सही है, क्योंकि देखे ना ये आपकी 1/3 a r की पावर 1/5 है, इसमें अब आपने a की जगह पे पुट कर दिया 9r² और r की 5 उसके साथ ही थी, अब ये पावर इसके साथ देखिए कैंसिल होकर इसको 3 बना देगी, इस तरह से आपके पास जो, और ये 9 है ना, तो 1/3 = देखिए 9, ठीक है, इसके साथ ही r की पावर क्या होगी क्यूब में, 9 यहाँ पर आप देखें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इसके नीचे ये भी डिवाइड हो जाएगा, या इसको पहले आप इस तरह से लिख लें 9r³=, तो इसके साथ ही आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/3, ठीक है। अब ये 9 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, सो r³=1/3 × 9, ठीक है, 9 होता है 27, हो गया r³=1/27, इसकी पावर आप बनाएंगे तो r का क्यूब है, इस तरफ आप देखें तो 1/3 ये 3 का क्यूब होता है, 3 × 9, 9 × 27, दोनों तरफ आप 1/3 की पावर से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, यानी क्यूब रूट ले लें, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा और ये इसे कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 1/3, ठीक है। देखिए एक वैल्यू आ गई r की, वो 1/3 आ गई है। अब इसी के साथ आप यहाँ पर जो है r = 1/3 जो अभी आपने
मालूम किया है उसको आप पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप कर दें इन इक्वेशन वन के अंदर। हमें फर्स्ट टर्म रेशो कॉमन और उसके बाद नंबर पता है तो हम तो आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आर आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया इक्वेशन वन, ठीक है। अच्छा अब ये है, आपने इक्वेशन वन देखनी है पहले क्या है, वो है आपकी ये ए इंटू आर की पावर स्क्वायर, नाइन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर है 1/3, यानी आर जो है वो आपके पास क्या है, आर आपके पास 1/3 है। तो ये आ जाएगा 9 is equal to a into 1/3 is 9 हो जाएगा ना, ठीक है। ये 9 उधर जाकर 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 81। तो फर्स्ट टर्म जो है ना वो आपकी आ जाएगी 81। एक ये वैल्यू मिल गई आपको, फर्स्ट टर्म कितनी है 81। फिर रुकिएगा जरा, आंसर में भी मैं क्वेश्चन इसका देख लूँ कि 81 बनती है, इतनी बनती है, ठीक है 81 आ गई है। और कॉमन रेशियो जो है वो 1/3 कितनी आ गई है। और नंबर्स आपने टोटल कितने फाइंड करने हैं, नंबर आपने फाइंड करने हैं यहाँ पर फर्स्ट 8 नंबर्स। अब मैं आपको क्वेश्चन बना के बताता हूँ। देखें हमारे पास जो है ना फर्स्ट टर्म जो है वो 81 है और आर जो कॉमन रेशियो है 1/3 है और एन इज इक्वल टू 8 है। 8 का मतलब आपने बनानी है सीक्वेंस। तो अब आपका फॉर्मूला लगेगा ए एन इज इक्वल टू, ठीक है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। और इसके अंदर ए आपके पास मौजूद है ना 1, आपको एन 2 निकालना है, ठीक है। तो ए 2 कर दें और ए की वैल्यू आ गई 81, आर आपके पास आ गया 1/3 और इसकी पावर हो जाएगी 2 माइनस 1। इस तरह से ये देखिएगा कि 81 मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर 1/3 से, पावर 2 माइनस 1 की तो 1 हो गई ना। तो 3 to the 6 और 3 7 the 21, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 27। ये इसकी सेकेंड टर्म हो गई। अब आपने देखना है तो इसकी थर्ड टर्म भी हमें चाहिए है, क्योंकि हमें कौन कौन सी टर्म दी गई थी, फोर्थ, ठीक है ना, यहाँ पे बल्कि हमें कौन सी थर्ड टर्म दी हुई है। थर्ड टर्म हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखें 2 आ गया, ए 3 हमारे पास कितना है 9 है, आई थिंक को दिया हुआ था, मैं एक बार देख लेता हूँ, 9 ही है, ये देख ले, ठीक है। इसी तरह अब ए 4 निकालना है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। ए 4 निकालने के लिए एन को 4 पुट कर लें, जो वैल्यूज मौजूद है ना उनको आपको जो है वो सोल्व करके निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से मौजूद है। तो अब आ जाएगा ए 4 और ये आपका 81 है ए, और आर 1/3 है, एन जो है उसकी पावर 4 माइनस 1 हो गई, तो ये आ जाएगा आपका 81 और ये 1/3 इसकी पावर हो गई क्यूब में, 3 3 9 27 होता है 1/3, ये आपका हो जाएगा 81 और यहाँ पर आ जाएगा 1/27। सो 27 3 the 81, इसका आ जाएगा आपका 3। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म, टर्म 5 भी हमने निकालनी है, नहीं मौजूद, तो आपका हो जाएगा ए 5, 81 वैसे ही आ जाएगा, इसकी पावर 1/3 की पावर हो जाएगी 5 माइनस 1 और ये हो जाएगा 81 और इसकी पावर 1/3 की पावर हो गई 4, ठीक है। और आपको पता है कि 1/3 की पावर 4 करेंगे, 3 की पावर 4 81 ही होती है, 81 जो है वो 1/81 बन जाएगा और ये इससे कैंसिल होगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर सिंपल ये 1 है। एंड फिफ्थ टर्म में जो आपका 1 हो गया, और अब आप देखें यहाँ पर जगह भी कम हो गई है, एंड में यहाँ पर आपका जो 6 टर्म है उसका आंसर दिया हुआ है। टर्म में क्या आंसर दिया हुआ है वो भी देख लें, 2 टर्म्स और होंगी और यहाँ पर कोशिश करते हैं सेट करने की, ऐसा कि हो जाएगा लेकिन लंबा हो गया सवाल। तो 8 तक लेके जानी है ना, तो 6 टर्म कितनी है वो आपकी है 1/3, ये देख लें, ठीक है। तो आपकी जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये होगी और ए 6 आपके पास जो है वो यहाँ पर आ रहा है आपको, क्योंकि ये 6 है ना तो वो पहले से मौजूद है, यहाँ पे एन 3 है तो पहले से मौजूद है, 1 भी मौजूद है, 1 हमने फाइंड ही कर लिया हुआ है, ये वाला जो एन इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा एन 6 जो हमारे पास है 1/3। नेक्स्ट वाली वैल्यूज मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो फार्मूला देखिएगा ए एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। अब 6 टर्म तक हो गई है, ठीक है, ये पहली 6 टर्म्स निकल आई हैं, टोटल 8 निकालनी है। तो अब टर्म 7 निकालने के लिए आपने एन को पुट करना है 7, तो ए 7 इज इक्वल टू ए कितना है 81, ठीक है। कॉमन रेशियो कितनी है 1/3 की पावर हो जाएगी 7 माइनस 1, 6 हो गई, 81 इंटू 1/3 की पावर हो गई 6। तो आपने अब 81 को मल्टीप्लाई करना है कि पावर कितनी हो जाएगी, आई थिंक ये आ जाएगी 243, ठीक है, यानी 3 की ये एक मिनट रुकिएगा यहाँ पर,
अच्छा अभी हमने यहाँ पर लेनी है बेसिकली 3 की पावर 6 लेनी है, 3 की पावर 6 ये हो जाता है 729 है, ठीक है। तो 5 वाली बल्कि क्योंकि वो हमारे पास मौजूद थी ना, इसीलिए 729 आ गई। इसकी हम कटिंग करते हैं 81 के साथ, पता चल जाएगा कि 1 डिवाइड बाय क्या वैल्यू बनती है, ठीक है। तो डिवाइड बाय हम कर देते हैं इसको 81, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, तो ये हो जाएगी 1 डिवाइड बाय 9। इसी तरह आपने एन को 8 पुट कर लेना है, ठीक है। सो ए 8 आ जाएगी और 81 के साथ ही 1 डिवाइड बाय 3 की पावर कितनी हो गई, 8 माइनस 1, ठीक है, हाँ बिल्कुल। और 81 के साथ ही आपका 1 डिवाइड बाय 3 की पावर हो जाएगी 7, तो भी चेक करके देख लेते हैं 81 के साथ जो है 1 डिवाइड बाय 3 की पावर 7 कितनी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखनी है 3 की पावर 7 ये आती है 2187, इसको भी हमने 81 पे साथ कटिंग करनी है ना बेसिकली, तो डिवाइड बाय 81 कर देते हैं, 1 डिवाइड बाय 27 हो जाएगी, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 27। अब हमारे पास जो है ना टोटल ये सारी टर्म्स फाइंड हो चुकी हैं, 8 भी आ गई है, 8 यानी कि 7 8 सारी हैं। अब हम तरतीब से ज़रा मैं एक साइड पर इसको लिख लेता हूँ, कोशिश करते हैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, जगह नहीं है। तो पहली टर्म है 81 है, सॉरी पता है ना आपको, फर्स्ट टर्म 81 निकली हुई है। सेकेंड टर्म कितनी है हमारे पास, ये भी देख लीजिएगा 27 है, ठीक है, ये मैं टिक कर रहा हूँ 27। और फर्स्ट टर्म होगी 81, सेकंड 27 है, थर्ड टर्म कितनी है वो आ रही है 9, पहले से मौजूद थी, ठीक है। और फोर्थ टर्म जो है वो 3 है, तो क्या इसी तरह फिफ्थ टर्म जो है वो 1 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। के बाद अगर आगे देखेंगे तो फिफ्थ के बाद सिक्स है 1 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 3। और सेवन्थ टर्म है 1 डिवाइड बाय 9। और एट टर्म जो है वो है 1 डिवाइड बाय 27, ये देख लें, ठीक है, ये 7th हो गई और ये 8 हो गई, 1 डिवाइड बाय 27। और यही हमारे इस क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है वो बनती है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, थोड़ी सी हो गई है, जगह कम है क्योंकि यहाँ से पेज अब एंड हो गया, इसके आगे पेज नहीं है। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 जो है और लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का समझ आ गया होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पॉजिटिव जो है रिव्यूज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेगेटिव आपने रिव्यूज और नेगेटिव कमेंट्स नहीं देने। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।